हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7, जिसके अंदर ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अबेका फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम आसाम। तो आप देख पाएंगे कि ये जो तीन चीज़ें हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीटली ट्रांसलेशन भी हम देखने वाले हैं, जो कि इंग्लिश टू हिंदी होने वाला है। अगर आप 10th क्लास में हैं और बहुत ही सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो उम्मीद है कि आप भी अपने साथ एक रफ कॉपी, पेन और अपनी बुक अपने साथ में रखे होंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं और ये कंप्लीट चैप्टर में एक ही बार में कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल बड़े ध्यान से और एक साथ में एक बार में चैप्टर कंप्लीट करिए, राइट। चलिए देखते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ, दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गांव विलेज बेकर हु स्टिल हैज अ इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। इसका क्या सेंस हुआ कि ये एक पारंपरिक गोवा के जो गांव होते हैं उसके बेकर का एक पेन पोर्ट्रेट, यानी कि कलम चित्र है, जिसका आज भी अपने समाज में एक इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट स्थान है। आवर एल्डर, हमारे बुजुर्ग, आर ऑफ्टन हेयर रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगालीज डेज। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अक्सर उन अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों को याद करते हैं, और जो पुर्तगाली हैं, जो उनकी रोटियां हैं, द पुर्तगालीज एंड देयर फेमस लॉफ्स ऑफ ब्रेड, और जो उनकी रोटियां हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं आपने कहते सुना होगा, यह सुना जाता है कहते हुए। Those eaters of loaves might have vanished, but makers are still there. जो बनाने वाले हैं ना, रोटियां खाने वाले लोग, हो सकता है कि वो गायब हो गए हैं, लेकिन बनाने वाले अभी भी वहां हैं, makers are still there. We still have among us mixers, modelers and those who bake the loaves. और मैं आपको बताऊं कि हमारे बीच अभी भी मिक्सर, मोल्डर और रोटियां सेकने वाले लोग मौजूद हैं। और those age old times, testers, furnaces still exist. और उन पुराने समय की जो भट्टियां हैं वो भी आज भी मौजूद हैं, still exist. The fire in the furnaces, furnace का मतलब होता है भट्टियां, right? जो भट्टी होती हैं जिसके अंदर आपने देखा होगा रोटियों को सेकते हैं, has not been extinguished. और जो भट्टियां हैं, भट्टियों की में जो लगी आग है ना, उनको अभी तक नहीं बुझाया जा सका है। The third and jingle of the traditional baker bumbo, heralding his arrival in the morning, can still be heard in the some places. और मैं आपको बताऊं कि पारंपरिक जो बेकर हैं, जिनकी बांस बांस जो होती है ना, बांस बम्बो, उनकी जो धबधब होती है, उनकी जो झनक, जो सुबह में उनके आने की, उनके आगमन की वो एक घोषणा करते हैं, और अभी भी still be heard some places, कुछ स्थानों पर सुना जा सकता है। Maybe the father is not alive, but the son still carries the family profession. हो सकता है, ये हो सकता है कि शायद उनके पिता जीवित नहीं है, लेकिन बेटा अभी भी उस परिवार के पेशे को आगे बढ़ा रहा है, family profession. Those bakers are even today known as a padre in Goa. और उन bakers को आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है, वो पेडर के नाम से मशहूर हैं। ड्यूरिंग द चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी अ फ्रेंड एंड कंपेनियन एंड द गाइड। और गोवा में हमारे बचपन के दौरान, और हमारा जो बेकर दोस्त है, बेकर जो हमारा दोस्त है, साथी जो है, वो गाइड हुआ करता था। और ही यूज्ड टू कम लिस्ट ट्वाइस अ डे, और वो दिन में कम से कम दो बार आया करता था। Once when he set out the morning in the selling ground and then again, और एक बार सुबह जब अपने selling के दौरान, बेचने के दौरे पर जब वो बाहर निकले, तो फिर वो दोबारा अपनी जो बड़ी सी टोकरी थी खाली करने के बाद वो लौटता था। Once when he set out the morning selling ground and then again when return after emptying the used basket, the jingle thud of bumbo woke us up from sleep. We ran to meet and greet him. और जब वो बांस की झनकाने वाली धबधब की आवाज़ हमें नींद से जगा देती थी, और उसने जगा दिया हमें नींद से, और हम उससे मिलने के लिए और उससे नमस्कार के लिए, ग्रीट करने के लिए, मीट और ग्रीट करने के लिए दौड़े, ऐसा क्यों था?
Why was it so? ऐसा क्यों था? So was it for love of love? Not at all. क्या ऐसा इसलिए था कि क्या वो रोटी के लिए प्यार था? बिल्कुल भी नहीं. रोटियां तो आप कह सकते हो द लोव्स आर बॉट बाय सम पास्किन एंड बास्टिन एंड मेड सर्वेंट ऑफ हाउस. वॉट वी लॉन्ग फॉर दोज हुज ब्रीड बेंगल्स विच वी चूज केयरफुली. समटाइम इट्स वॉज स्वीट ब्रीड ऑफ स्पेशल मेक. और आपको मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि रोटियों के लिए हमें प्यार था. रोटियां तो घर की जो नौकर नौकरानी थी वो किसी पास्किन या बास्टिन से खरीदी गई थी. हमें रोटी और चूड़ियों की लालसा थी जिन्हें हमने ध्यान से चुना हुआ था. जिन्हें हमने क्या किया था? ध्यान से चुना हुआ था. और कभी कभी स्पेशल तरीके से निर्मित बहुत ही स्वीट ब्रेड होती थी, मीठी रोटी होती थी. सो द बेकर मेड इज म्यूजिकल एंट्री ऑफ द सीन विद द जैंग जैंग साउंड ऑफ स्पेशल मेड ऑफ बम्बू स्टाफ. और जो बेकर होता था वो अपनी ही स्पेशल रूप से बनाई गई जो बांस की लाठी होती थी उसे झूम झूम करते हुए वह बिल्कुल उसकी जो साउंड होता था उसका जो म्यूजिक होता था उसके थ्रू उसके परिदृश्य में वो प्रवेश करता था, वो एंट्री लेता था. वन हैंड सपोर्ट टू बास्केट ऑन हिज हेड एंड अदर बैंक ऑफ बम्बू ऑन द ग्राउंड. और एक चीज मैं आपको बताऊं कि एक हाथ ने उसके सिर पर टोकरी का सहारा दिया और दूसरे हाथ को बांस को जमीन पर पटक रहा था. राइट एंड बैंग ऑफ द बम्बो ऑन द ग्राउंड. ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बो. और वो घर की जो महिला थी उसका गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन करता, फिर अपनी टोकरी को ऊर्ध्वाधर बांस पर रखता था, मतलब बिल्कुल लंबे तरीके से वर्टिकली रखता था अपने बम्बू के ऊपर. Wickets would be pushed aside and mild rebuke and the loaves would be delivered to be servant. और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हम जो बच्चे होते थे हम बच्चों को एक हल्की फटकार के साथ में एक तरफ धकेल दिया जाता और रोटियां जो थी वो नौकर को दी जाती थी. But loaves would be delivered to the servant. But we would not give up. लेकिन हम कभी हार नहीं मानते थे. वी वुड क्लाइम द बेंच और पेपर पेट एंड पीप इन टू द बास्केट सम हाउ. और हम क्या करते थे? पीप करते थे, उसके अंदर झांकने की कोशिश करते थे. जो पेपर पेट होता था उसके ऊपर चढ़ जाते थे, एक बेंच होती थी उसके ऊपर चढ़ जाते थे, बेंच या पेपर पेट पर चढ़ते थे और टोकरी में झांकते थे. अभी भी उन रोटियों की जो खुशबू होती है आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस खुशबू दोज लॉक्स. उन अभी भी मैं उन जो रोटियां होती हैं उनकी जो फ्रेगनेंस होती है, जो ठेठ खुशबू होती है, उसको याद कर सकता हूँ. लॉव्स फॉर एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रंस. रोटियां बड़ों के लिए और बैंगल्स बच्चों के लिए, जो चूड़ियां होती हैं वो बच्चों के लिए. और देन वी डिडेंट इवन केयर ब्रश और आवर ट्रेथ और वॉश माउथ प्रॉपरली. और उस समय मैं आपको बताऊं कि हमारे दांतों को ब्रश या फिर मुंह ठीक से धोने की परवाह नहीं थी. और हम क्यों करें? एंड वाई शुड वी, हम क्यों करें? हु वुड टेक द ट्रबल प्लकिंग द मैंगो लीव्स फॉर द टूथब्रश. कौन ये जहमत उठाए ये आम के पत्तों को तोड़ने की, मैंगो लीव्स को तोड़ने की, राइट? और क्यों आम का कौन परेशानी उठाएगा? एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल. और ये नेसेसरी क्यों, ये क्यों आवश्यक था? जो टाइगर होते हैं वो भी तो कभी अपने जो दांत होते हैं उनको ब्रश नहीं करते. एंड हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग शो नाइसली आफ्टर ऑल. और जो गर्म चाय होती है वो सब कुछ इतनी अच्छी तरीके से धो और साफ कर देगी. सो ओरल कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे चार क्वेश्चन हैं. तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे. तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है जब भी मैं इनके आंसर्स को स्क्रीन पर लाऊंगा. सो वॉट आर द एल्डर्स गोवा नोस्टिक्स अबाउट एंड इज ब्रेड मेकिंग सो पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू वी नो एंड वॉट इज द बेकर कॉल्ड एंड वेन Would the baker come every day? Why did the children run to meet? तो इन सी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ मैं. तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आप देख पा रहे हो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. और वॉट आर द एल्डर्स गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट. जो बुजुर्ग थे वो लोग पुराने जो पुर्तगालीज थे उनकी जो रोटियाँ थी उनको बहुत उनसे लगाव था. और राइटर इन्हीं चीज़ों के बारे में कह रहा है. इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा एंड हाउ डू यू नो. आपको कैसे पता कि स्टिल ब्रेड मेकिंग अभी भी पॉपुलर है गोवा के अंदर, राइट?
तो ये सारी चीजें आप ध्यान से देख सकते हो, समझ सकते हो। यस, ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, दिस इज अ वेरी क्लियर फ्रॉम नरेटर स्टेटमेंट कि आज भी वो फेमस है, क्योंकि वो कह रहा है कि भले ही खाने वाले चले गए लेकिन बनाने वाले अभी भी हैं। मिक्सचर मोल्डर्स सब यहीं पे हैं, टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी हैं वो, जो पुराने समय की जो भट्टियां हैं अभी भी उनको बुझाया नहीं जा सका है। इसी तरीके से अगर आप इसके थर्ड क्वेश्चन को देखें कि व्हाट आर द बेकर कॉल्ड, उनको पैडर कहा जा रहा है गोवा के अंदर। एंड व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे एंड व्हाई द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, जो बेकर थे वो दिन में 2 बार जरूर आते थे, वंस एक अर्ली मॉर्निंग में और एक सेकेंड टाइम जब रिटर्न करते थे सेलिंग स्टफ्स को खत्म करने के बाद, और बच्चे जो होते थे उनसे मिलने के लिए वो ब्रीड्स और बाई बेंगल्स चाहते थे, इसलिए वो बच्चे उनके पीछे दौड़ते थे, राइट। सो ये तो है क्वेश्चंस। अब हम वापस से आ जाते हैं अपने ट्रांसलेशंस वाले पार्ट में, ताकि हम अच्छी तरीके से चीजों को देख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, समझाने की कोशिश करूं कि ये लिखा हुआ है कि मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट अ स्वीट ब्रीड नोन एज बॉल, जस्ट एज अ पार्टी और फीस्ट लूसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। यानी कि जो शादी के तोहफे के रूप में आप कह सकते हो कि बोल के रूप में जो विख्यात मीठी रोटी के बिना वो निरर्थक है, मीनिंगलेस है। और जिस तरीके से एक पार्टी, एक दावत रोटी के बिना अपने आकर्षण को खो देते हैं, इट्स पार्टी फिस्ट लूज द चार्म विदाउट ब्रेड, नॉट इनफ कैन बी शेयर्ड, सो हाउ इम्पोर्टेंट बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। और ये कहना, ये दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता कि एक बेकर एक गांव के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ द डॉटर्स एंगेजमेंट, और घर की महिला को अपनी बेटी की सगाई के मौके पर सैंडविच जरूर तैयार करना चाहिए। केक्स एंड बोलिनहाश आर मस्ट क्रिसमस एज वेल अदर फेस्टिवल्स, दस द प्रेजेंस ऑफ बेकर फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। सो आप कह सकते हो कि जो घर की महिलाएं अपनी बेटी की सगाई के मौके पर सैंडविच जरूर तैयार करना चाहिए। क्रिसमस के साथ साथ जो अन्य त्यौहार होते हैं, जो अन्य त्यौहारों पर भी केक जो बोलना है वो बहुत जरूरी है। इस प्रकार गांव में बेकर की भट्टी का जो उपस्थिति है वो अत्यंत आवश्यक है। द बेकर ब्रेड शेलो ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबई, इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज। और जो बेकर हैं उन दिनों, बेकर या फिर ब्रेड बेचने वाले की एक आप कह सकते हो कि अजीबो गरीब ड्रेस थी, पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबई, जिनको कबई के नाम से जाना जाता था, और जिन्हें कबाई के नाम से जाना जाता था। और इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वन एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। इवन टूडे एनी वन हु वेयर्स द हाफ पैंट विच रिचेस जस्ट बिलो नीज इनवाइट्स द कमेंट द ड्रेस लाइक अ पैडा। और होता क्या था कि जब उनकी जो एक सिंगल सिंगल पीस लंबी फ्रॉक थी जो घुटनों तक नीचे पहुंचती थी, और बचपन में जो हमने बेकर्स को शर्ट और पतलून पहने हुए देखा, जिसकी पूरी लंबाई वाली जो पैंट होती है ना उससे छोटी और आधी लंबाई की जो होती है उससे लंबी होती थी, और आज भी कोई आधी पैंट पहनता है जो घुटने से नीचे पहुंचती है तो उस पे कमेंट किया जाता है कि उसने एक पैडर की तरह अपनी ड्रेस को पहन रखी है, पैडर की तरह पहन रखी है। सो द बैकर यूजुअली कलेक्ट द बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बैकर्स होते थे यूजुअली आमतौर पर जो महीने के लास्ट में जितने भी लोग भी उनसे लेते थे खाना वगैरह, जितने भी लोग लेते थे ब्रेड, उनको लास्ट में क्या करते थे, वो कलेक्ट करते थे अपना जो बिल होता था उसको, आमतौर पर एक बिल को लास्ट में एकत्र करते थे, इकट्ठा करते थे। सो द बिल एंड द मंथली अकाउंट यूज्ड रिकॉर्डेड ऑन द सम वॉल ऑफ पेंसिल, और मासिक खाते की जो चीजें होती थी उसको पेंसिल से किसी दीवार पर दर्ज किए जाते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज, और बेकिंग पुराने दिनों में कह सकते हो कि एक लाभदायक पेशा था, प्रोफेशन था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, और जो बेकर होती थी और जो उनके परिवार होते थे उनको कभी भी भूखा नहीं सोना पड़ता था। और ही एंड हिज फैमिली हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस।
और उनका परिवार, नौकर हमेशा खुश और प्रॉस्पेरस दिखते थे, समृद्ध दिखते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज ऑफन टेस्टिमोनी टू दिस, और आप उनकी जो मोटी काया होती थी इस बात का खुला प्रमाण था। और इवन द टुडे पर्सन जैकफ्रूट लाइक अ फिजिकल अपेयरेंस इजली कंपेयर टू अ बेकर, और आज भी कटहल जैसी शरीर की बनावट वाले किसी व्यक्ति की जो तुलना होती है ना, वो करी जाती है एक बैकर से। देखिए यहाँ पे ओरल कॉम्प्रहेंशन के 3, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 क्वेश्चंस, और इन 5 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले, थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट के भी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, और उसके बाद हम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि सेकेंड पार्ट में आने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए हम कुर्ग वाले चैप्टर को देखेंगे। तो सबसे पहले इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए ये जो मैच द कॉलम के आंसर्स हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इजीली। मैं थोड़ा फास्ट मूव करने वाला हूँ ताकि चीज़ों को आप देख पाओ। ये क्वेश्चन हो गया और ये आपका आंसर हो गया, राइट। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द बेकर वियर, वो क्या पहनते थे, तो उसका ये जो क्वेश्चन हैं उसका आंसर आप देख पाओगे। ये और ये दोनों चीज़ें हैं, पुर्तगाली डेज और ऑथर यंग, जब यंग था तो क्या पहनते थे, राइट। एक तो उस समय पे उनके ड्रेस को कावई कहा जाता था, और जब उनके जो अपने चाइल्डहुड में था तो उसको हाफ पैंट से थोड़ा ज़्यादा घुटने के नीचे तक होती थी। इसी तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें आप देख पाओगे, ड्रेस लाइक पैटर्न एंड वाई, तो इसका आंसर ये है। और फोर्थ क्वेश्चन है कि वेयर वर मंथली अकाउंट्स बेकर, कहाँ रिकॉर्ड करते थे, तो दीवारों पे पेंसिल के सहारे से वो रिकॉर्ड करते थे। और जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस पर्सन को, क्योंकि उनकी फिजिक अच्छी होती थी तो इसलिए उनको कहा जाता था। और अगर हम थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट के बारे में बात करें, थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट में तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये तो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट के जो आंसर्स हैं वो नीचे दिए हुए हैं, कौन सा करेक्ट है। पहला वाला तो करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी इनकरेक्ट, चौथा इनकरेक्ट, ये करेक्ट करेक्ट फिर इनकरेक्ट, तो आप पढ़ करके समझ पाओगे। इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। सो इज अ ब्रीड इंपॉर्टेंट फॉर पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, गाँव लाइफ, हाउ डू वी नो दिस। यस, ब्रीड बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है गाँव की लाइफ के लिए, मैरिज में, पार्टीज में, हर जगह पे, वो सैंडविच बनाने में, हर जगह डॉटर की इंगेजमेंट में, क्रिसमस में, अलग ओकेजन में ये यूज़ किया जाता है, और फर्नेसेस भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ये टिक द राइट आंसर, एंड व्हाट इज द टोन ऑफ ऑथर व्हेन ही से फॉलोइंग, क्या टोन है ऑथर की। तो ये देखिए ये तो क्वेश्चन हैं, तो टोन के अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें नॉस्टैल्जिक है, और इसमें होपफुल है, इसमें फनी है, मैटर ऑफ फैक्ट है, तो ये सारी चीज़ें किस किस टोन में कही गई हैं वो सारी चीज़ें हैं, मैटर ऑफ फैक्ट है, फनी है, नॉस्टैल्जिक है, होपफुल है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम कुर्ग वाले चैप्टर पे आते हैं जो कि इसका सेकेंड पार्ट है, उसके भी हम ट्रांसलेशन को सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद जहाँ भी क्वेश्चन आंसर आएगा तो उस क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करते जाएंगे। इससे क्या होगा, चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी और आप अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे। कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रैन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग जो है वो कॉफ़ी का देश है, और जो अपने रैन फॉरेस्ट और स्पाइसेस, मसालों के लिए जाना जाता है, उसके लिए प्रसिद्ध है, वर्षावन और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। सो चलिए शुरू करते हैं। मिडवे बिटवीन मैशूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलूर साइट पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम किंगडम ऑफ गॉड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैशूर और मैंगलोर के जो तटीय शहर हैं उसके बीच में आधे रास्ते पर एक स्वर्ग का, स्वर्ग का कह सकते हो, टुकड़ा है, किंगडम ऑफ गॉड। दिस लैंड रोलिंग हिल्स इनहैबिटेड बाय प्राउड रेश मार्शियल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन एंड द वाइल्ड क्रिएचर्स, और जो अवश्य भगवान के राज्य से स्थानांतरित होकर आया है, रोलिंग हिल्स की जो भूमि है, मार्शल पुरुष, सुंदर महिलाएं और जंगली जो प्राणियां हैं उनकी महान प्रजातियां यहाँ पे बसी हुई हैं। सो कुर्ग एंड कोडागु, कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका, इज अ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पीशीज एंड कॉफी प्लांटेशन। कुर्ग और जो कोडागु है, कुर्ग या कोडागु कर्नाटक के सबसे छोटा जिला, सदाबहार वन, स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट एंड कर्नाटक इज अ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पीसीज एंड द कॉफी प्लांटेशन, और काफी के बगान जो हैं उनका घर है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर द 30% ऑफ डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द मानसून, इट प्योर पोर पोर इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे।
और मैं आपको बताऊं कि ये जो सदाबहार वर्षा वन है, जहाँ पे हमेशा सदाबहार मतलब हमेशा बारिश होती है, इस जिले के 30% को कवर करते हैं, मतलब 30% को कवर करते हैं। मानसून के दौरान यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, और ये जो यहाँ पे लोग आगंतुक होते हैं वो बहुत दूर रहते हैं, विजिटर्स अवे। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम द सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। और यहाँ पे जो खुशी का मौसम होता है ना, वो सितंबर से शुरू होकर मार्च तक जारी रहता है। द वेदर इज परफेक्ट, और यहाँ का जो मौसम है एकदम सही है, परफेक्ट है, विथ सम शावर थ्रोन इन द गुड मेजर। और आप कह सकते हो कि मौसम एकदम सही, जिसमें कुछ अच्छे उपायों के लिए हल्की बारिश होती है, गुड मेजर फॉर द एयर ब्रिदर्स ऑफ इनविग्रेटिंग कॉफी। कॉफी स्टेट एंड कॉनिकल कॉलोनिकल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज अ प्राइम कॉर्नर्स। और आप कह सकते हो कि मौसम एकदम सही, जिसमें कुछ अच्छे उपाय के लिए हल्की बारिश होती है, और हवा में जो स्फूर्ति है वो कॉफी के लिए खुशबू होती है। कॉफी स्टेट और जो औपनिवेशिक बंगलोज है, कॉलोनिकल जो बंगलोज हैं, उनमें जो कोने हैं ना, उनके कोनों में पेड़ों की जो वितान से समेटे हुए खड़े हुए हैं, अंडर ट्रीज कैनोपीज इन अ प्राइम कॉर्नर्स। सो द फायर सी इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली टू ग्रीक अरबिक डिशेंट। और कुर्ग में प्रबल जो स्वतंत्र लोग हैं, संभवतः ग्रीस या फिर अरबी मूल के हैं। एज वन ऑफ स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी मूव साउथ अलोंग द कॉस्ट एंड सेटल वेयर व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल। और जैसे कि एक कहानी में बताया जाता है कि जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी, जो अलेक्जेंडर की सेना थी, उसने सेना का एक हिस्सा तट के, आप कह सकते हो कि जो तट के साथ में दक्षिण में चला गया था और वहां बस गया, तब वापस आया तो ये उनके लिए इम्प्रैक्टिकल हो गया था, अव्यवहारिक हो गया था। एंड दीज पीपल मैरिड अमंगस द लोकल एंड कल्चर अप्रेंट द मार्शल ट्रेडिशंस मैरिज द रिलीजियस राइट्स व्हिच आर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंदू मैनस्ट्रीम्स। और जब ये उनके लिए इम्प्रैक्टिकल हो गया, तो इन लोगों ने जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनसे शादी कर ली, और जो संस्कृति होती है, मार्शल जो परंपराएं होती हैं, शादी और धार्मिक संस्कार में स्पष्ट है कि ये जो मुख्य धारा है ना हिंदू की, उससे अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, और अरब के जो मूल सिद्धांत को कोडावश, एंड थ्योरी ऑफ द अरब ओरिजिन ड्रॉस सपोर्ट फ्रॉम लॉन्ग ब्लैक कॉच और कॉच विद एम्बोराइड वेस्ट बेल्ट फ्रॉम द कोडावश कोडावश। तो आप कह सकते हो कि अरब का जो मूल सिद्धांत है, कोडावश द्वारा पहने जाने वाले जो कढ़ाई कढ़ाई वाले कमरबंद होते हैं, उनके साथ लंबे काले कोट से पता चलता है कि अरब एंड ये कुर्द हैं, राइट। और नोन एज कुइपा, इट्स रिसेम्बल टू कूफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड कुर्द्स। और कूपिया के रूप से जाने जाने वाला यह अरब और कुर्दों द्वारा पहने जाने वाला कूपिया जैसा दिखता है। सो कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वर्ल्ड वॉर रिलेटेड देयर सन्स एंड फादर्स। जो कुर्ग होते हैं ना, वो अपने घरों में उनकी आतिथ्य की परंपरा है, ट्रेडिशन है ऐसा, वे अपने बेटों और पिता से संबंधित जो शौर्य की कहानियां हैं उनको याद करने के लिए अत्यधिक तैयार है, राइट। मोर देन विलिंग टू रिकाउंट द न्यूमरस टेबल्स एंड वॉलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड द फादर। और द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। और मैं आपको बताऊं कि कुर्ग रेजिमेंट में, भारतीय सेना में सबसे ज्यादा सजाई गई है, और भारतीय सेना के पहले प्रमुख करियप्पा थे, प्रमुख जनरल कुर्गी थे। इवन नाउ कुर्दवश आर ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। और अब भी भारत में जो कोडावश है, अकेले ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के जो हथियार हैं, जो
फायर आर्म्स हैं उनको ले जाने की अनुमति मिली है बिना किसी लाइसेंस के, कोडावासा के लिए ऐसे लोग हैं। द रिवर ऑफ कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो कावेरी नदी है वो क्या करती है कि कुर्ग की जो पहाड़ियाँ होती है ना और उसके जंगल होते हैं उनसे, वहां से उनको पानी प्राप्त होता है। और महाशीर अ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश अबाउंड दिस वाटर्स। और महाशीर एक मीठे बड़े मीठे पानी की मछली इस प्रचुर पानी की मात्रा में है। और किंगफिशर डाइव देयर कैचेस वाइल स्क्वायरल्स एंड लैंगूस ड्रॉप्स पार्शियली ईटन फ्रूट्स एंड मिस्चीफ आर एंजॉयिंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट ऑफ द क्लीन वाटर। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत। और आप, मैं आपको बताऊं कि किंगफिशर पकड़ने के लिए गोता लगाती है, जबकि जो गिलहरी होती हैं, जो लंगूर होते हैं, वो साफ जो पानी होता है ना, आप सो ये समझ सकते हो कि क्या नेचर के बारे में बताया गया है कि जो लंगूर है वो साफ पानी में गोता लगाने के लिए जो उसकी तरंगे होती है ना उसके प्रभाव का आनंद ले रहा है, राइट, इंजॉइंग द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट ऑफ द क्लियर वाटर। और जो थोड़ा बहुत फल खाते हैं और नीचे गिरा देते हैं, और रिपल इफेक्ट ऑफ द इंजॉइंग द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट ऑफ वाटर। और जो हाथी होती है ना, हाथी वो अपने महावत होते हैं जो उनको उनकी सेवा में लगे रहते हैं, महावत जो हाथियों के ऊपर बैठते हैं, उनके द्वारा नदी में नहलाए जाने के लिए वो क्या करते हैं, रगड़ने का आनंद लेते हैं कंप्लीटली। सो द मोस्ट लैड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्टेड टू द लाइफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स विद द रिवर राफ्टिंग कैनोइंग एंड रैपलिंग रॉक क्लाइंबिंग द माउंटेन। द मोस्ट लैंड बैक इंडिविजुअल्स बिकम्स कन्वर्ट्स टू द लाइफ एंड हाई एनर्जी एडवेंचर्स विथ रिवर राफ्टिंग। वहां पे कह सकते हो कि सबसे जो पिछड़ा व्यक्ति होता है ना नदी में राफ्टिंग में, जो कैनोइंग होती है, रैपलिंग जो होती है, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बकिंग के साथ में अधिक हाई उत्तेजना वाले जो साहसिक कार्य उनके जीवन में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्षेत्र में कई पैदल चलने वाले ट्रैकर्स उनके पसंदीदा हैं, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉकर्स, क्लाइंबिंग द माउंटेन पसंदीदा है उनके लिए। और बाइकिंग वालों के लिए भी वो काफ़ी उनके लिए ये पसंदीदा जगह है, आप कह सकते हो कि बाइकिंग वालों के लिए भी पसंदीदा है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स द रीजन्स आर फेवरेट विद द ट्रैकर्स। और इस क्षेत्र में कई पैदल चलने वाले रास्ते हैं, ट्रैकर्स को सबसे पसंदीदा है। और जो सबसे पिछड़े व्यक्ति हैं उनमें नदी की जो राफ्टिंग होती है उसमें चाहे वो रॉक क्लाइंबिंग करें, रैपलिंग करें, माउंटेन बाइकिंग करें, उनके साथ साथ में जो हाई उत्तेजना वाली जो चीज़ें होती हैं, जो साहसिक कार्य करने के लिए जाने जाते हैं, उनमें परिवर्तित हो जाते हैं, राइट। और बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। और यहाँ पे जब आप जाओगे ना यार, तो पक्षियाँ, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ आपका साथ देने के लिए हैं। और मका, मलाबार, स्क्वायरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस कीप द वॉचफुल आईज फ्रॉम ट्रीज कैनोपी। और मैं आपको बताऊं कि मकाक हो गए, मालाबार हो गए, गिलहरी हो गए, लंगूर हो गए, पतला लॉरिस जो है वो पेड़ के वितान से सतर्क नजर रखते हैं, बिल्कुल। एंड आप कह सकते हो कि हालांकि जो जंगली हाथियां होती हैं उनका मैं जो रास्ता छोड़ना होता है वो मैं प्रीफर करता हूँ, आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टे असाइड अ वाइल्ड एलिफेंट्स, उनका रास्ता छोड़ना मैं पसंद करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पाओगे कि द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरमिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुरु। और जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं ना यार, उसको चढ़ने से आपको जो कुर्ग हैं उनके पूरे जो कोहरा है ना, कोहरेदार दृश्य का एक मनोरम दृश्य देखने को मिलता है आपको। और जो रस्सी पुल होती है, A walk across the rope bridge leads to the 64 acres islands of the Nishargadama. और रस्सी पुल को पार करने के बाद में करीब आप 64 एकड़ की बात करें तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 64 acres island. तो 64 एकड़ में फैले एक निसर्ग धाम में दीप वो पहुंच जाते हैं। Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan सेटलमेंट एट द नियर बाई बाई लेक्यूपू इज अ बोनस। और मैं आपको बताऊं
कि भारत में सबसे बड़ी जो तिब्बती बस्ती के पास में बाइला कुप्पे में बौद्ध भिक्षुओं तक पहुंचना एंड द मोंक्स इन अ रेड ऑर्क एंड येलो रॉब्स आर अमंगस द मेनी सरप्राइजेस दैट वेट्स टू डिस्कवर बाई विजिटर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट प्लेस इन द कुर्ग। और लाल गेरुआ और पीले वस्त्र में जो भिक्षु होते हैं वो कई आश्चर्यों में से एक हैं क्योंकि जो उनके आगंतुक द्वारा खोज किए जाने की प्रतीक्षा में यहाँ कुर्ग ने भारत के दिल की और जो आत्मा है उसकी खोज कर रहे हैं। तो दैट्स राइट थिंग्स। अब हम ये जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो चीजें हैं ना उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले। देखिए ये भी चीज़ आप खुद रीड करना, फैक्ट फाइल्स हैं कि कैसे हम पहुंच सकते हैं बाय एयर, बाय रेल, बाय रोड, किस कैसे हम कुरुक पहुंच सकते हैं। तो ये सारी रास्ते हैं वो आपको खुद पढ़ना है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। और ये जो थिंकिंग अबाउट टेक्सचर क्वेश्चन है कि वेयर इज कुर्ग एंड व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोडाकू पीपल रिसेंटली, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इन सब के आंसर्स हम देखेंगे। और इसके बाद में ये जो थर्ड वाला पार्ट है कि टी फ्रॉम आशाम, इस वाले पार्ट को फिर हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं जो सेकंड पार्ट हमें हमने पढ़ा कुर्ग का उसके ऊपर पहुंचते हैं। अगर हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि वेयर इज अ कुर्ग। सो कुर्ग और कोडागु जो स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैशूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, राइट। ये कोस्टल है, यहाँ पे सही कर लेना आप, सी ओ होगा, COSTL कोस्टल, राइट, कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। कुछ कुछ देखिए यार मिस्टेक कर देते हैं टाइपिंग वाले लोग, तो खैर इस चीज़ के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। सेकेंड चैप्टर पे आते हैं, सेकेंड चैप्टर बोल रहा हूँ, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज स्टोरी अबाउट कोडाकू पीपल डिशेंट, तो ये है इसके आंसर्स, राइट। और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, और व्हाट आर सम थिंग्स यू नो अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग, मेन क्रॉप, स्पोर्ट्स ऑफर, एनिमल्स और डिस्टेंस, ये सारी चीज़ों के आंसर्स यहाँ पे बहुत ही डिसेंट वे में दिए गए हैं, तो आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाय रोड इतने किलोमीटर है, कुर्ग के बारे में एनिमल्स यहाँ पे मोस्टली ऑफर्स एडवेंचर स्पोर्ट्स में रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रैक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको सब चीज़ों का मजा लेने को मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में बात करते हैं कि हियर इज 16 सेंट सिक्स सेंटेंस, 16 नहीं लिखा है, सिक्स लिखा है, विद सम वर्ड्स इन इटैलिक, इटैलिक में लिखे हुए हैं, तो हमें क्या करना है, फ्रेज फाइंड आउट करना। तो ये पूरा पैरा है, ये लिखा हुआ है, पैरा नंबर सिक्स, पैरा नंबर थ्री। सो इसके जो आंसर है ना यहाँ से है, तो ये पहले का आंसर है, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा। सो थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज के बारे में भी बात कर लेते हैं कुछ, इसके भी अगर आपको आंसर ढूंढना है तो इसके आंसर आप मिल जाएंगे बहुत ईजिली। हाउ ओल्ड आर यू, सो हाउ यंग आर यू, और ये दो क्वेश्चन है तो इनके आंसर्स ये हैं। ओल्ड सेंटेंसेस हाउ यंग आर यू एंड फ्रेजेस में अ प्लीजेंट बिलो, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आप चीज़ों को इजीली समझ पाएंगे और देख भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। अब हम आते हैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यार यहाँ पे है ना हमें इन क्वेश्चंस में नाउन्स वगैरह और ये सारी चीज़ें देखनी है, क्वेश्चन ये है, और तो मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ इसके आंसर्स पे ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे। ये है आपका आंसर, सो आप देख पा रहे होंगे, पहला तो खुद ही उन्होंने बताया था, तो ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। अब जाते हैं हमें कंप्लीट करना है इन फ्रेजेस को मिक्सिंग और अल्टरनेट वर्ड से। तो यहाँ पे मिक्सिंग और अल्टरनेट वर्ड्स को आप देख सकते हो, टेल, कॉस्टल, एवरग्रीन, प्लांटेशन, ब्रीज और वाइल्ड, तो आप देख सकते हो मिशिंग का अल्टरनेट है, ब्रेवरी और टाउन में बेल्ट हैवन का ये अल्टरनेट वर्ड्स हैं इनके, रेन फॉरेस्ट का ये जंगल, कॉफी का टी, बनाना, ये सारी चीजें हैं। ये तो बात हो गई कम्प्लीटली इन क्वेश्चंस की, तो अब बाद में हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जब हम टी फ्रॉम आसाम के ये चैप्टर के ट्रांसलेशन को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि उस पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। है तो यही चैप्टर लेकिन इसका थर्ड पार्ट है, यानी कि लास्ट पार्ट है। तो चलिए चलते हैं टी फ्रॉम आसाम, उसको देखते हैं कि क्या है। तो वापस से आ चुके हैं हम अपने पीडीएफ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है टी फ्रॉम आसाम, प्रांजल, प्रांजल, प्रांजल है, यंगस्टर फ्रॉम आसाम, एक नौजवान, और इज राजवीर इज ए क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली, और असम का एक नौजवान प्रांजल दिल्ली के स्कूल में राजवीर का सहपाठी है, उसका दोस्त है, क्लासमेट है। प्रांजल फादर्स इज अ मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन द अपर आसाम,
और प्रांजल के जो पिता है ना वो अपर असम में एक चाय बागान के मैनेजर हैं, और जो प्रांजल है वो राजबीर को गर्मी की छुट्टियों में उनके घर आने का न्योता देता है। सो असम एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजबीर टू विजिट हम होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन के अंदर, जो चीज़ें हैं उसको घर आने का न्योता दिया है उसने। तो अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है इनकी जर्नी, और ये लोग एक ट्रेन में जर्नी करते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है, आप समझ जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। सो चाय चाय गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन हाई पिच्ड वॉइस, सो आपने देखा होगा ना, बहुत ही हाई पिच्ड में जब आप किसी ट्रेन जहाँ पर रुकती है तो आवाज़ आती है, बहुत नॉर्मल सी आवाज़ है, चाय चाय है ना। और चाय वाले आज बहुत कुछ कर रहे हैं, MBA चाय वाला देखिए, चाय वाले प्रधानमंत्री भी हैं। सो खैर आते हैं अपने टॉपिक पे, चाय गरम गरम चाय। एक विक्रेता अपनी ऊंची आवाज में पुकारा उसको, ही केम अप द विंडो एंड आस्क चाय साहब, उस खिड़की पर आया और पूछा साहब चाय। सो प्रांजल गिव अप 2 कप, प्रांजल सेट। प्रांजल ने कहा कि हाँ 2 कप दे दो। दे सिप्ड एंड स्टीम हॉट लिक्विड, और ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। और जब उसने कहा कि उन्होंने उबलते हुए जो पेय पदार्थ थे उसकी चुस्की ली, चाय की चुस्की ली, और उनके कंपार्टमेंट में, उनके डब्बे में लगभग हर कोई चाय पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर शेट। राजवीर ने कहा कि तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो कि पूरी दुनिया में हर दिन 80 करोड़ लोग कप से अधिक चाय पी जाती है, 80 करोड़ कप से अधिक चाय पी जाती है। प्रांजल ने कहा कि चाय वास्तव में बहुत लोकप्रिय है। सो प्रांजल सेड, प्रांजल ने कहा कि डू यू नो 80 करोड़ कप टी ड्रंक बाय एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। आई वी सेड ओ वाव, एक्सक्लेम प्रांजल, टी रियली वेरी पॉपुलर, कि चाय बहुत पॉपुलर है। सो ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन, ट्रेन जैसे ही स्टेशन से बाहर निकली और वहाँ से ट्रेन बाहर निकली, सो प्रांजल बरीड हिज नोज एंड डिटेक्टिव अ बुक अगेन। सो जो प्रांजल ने जो जासूसी की किताबें थी उनको बिल्कुल अपनी उसको पढ़ने में व्यस्त हो गया। और राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट दिस मोमेंट ही वॉज अ कीनर टू लुकिंग ब्यूटिफुल सीनरी। और मैं बताऊं कि राजवीर भी जो जासूसी की जो कहानियां थी उनका एक प्रबल प्रशंसक था, लेकिन फिलहाल वो खूबसूरत दृश्यों को देखने में अधिक रुचि थी उसको। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, और हरा हर तरफ हरा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, और राजवीर ने ऐसी ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव अवे टू टी बशेस, और राजवीर ने इससे पहले कभी इतनी हरियाली नहीं देखी थी। कोमल हरे धानों के खेत के बाद चाय की झाड़ियां याद आ गई उसको, एंड इट वॉज ग्रीन एंड ग्रीन, और इतनी पहले हरियाली नहीं देखी थी। तो जो कोमल कोमल धान के होते हैं ना, धान पैडी जो होती है उसको, राजवीर ने नेवर सीन ग्रीनरी देन सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव अवे द टी बशेस, और बिल्कुल कोमल जो धान की खेती थी उनके बाद में चाय की बिल्कुल झाड़ियां आ रही थी। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, और ये एक शानदार नज़ारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडन हिल सी ऑफ शी बशेस स्ट्रेच्ड एज फॉर एज आई कुड सी ड्राफ्टिंग इन द टीनी टी प्लांट्स व टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज एंड अमिस्ट द ऑर्डरी रोज ऑफ बशेस ब्यूजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स। और मैं आपको बताऊं कि ये जो शानदार सी दृश्य था, घनी जंगली पहाड़ियाँ की पृष्ठभूमि जहाँ तक आंखों से देख सको वहाँ तक देखा जा सकता था, चाय की झाड़ियों का एक समुद्र फैला हुआ था, और आप कह सकते हो कि और जो छोटे चाय के पौधे थे उनके ऊपर मजबूत छायादार पेड़ थे। झाड़ियों की क्रमबद्ध पंक्तियों के बीच में गुड़ियों जैसी आकृतियां चल रही थी, अबुशली मूव डॉल लाइक फिगर्स, राइट। इन द डिस्टेंस वॉज अगली बिल्डिंग विद स्मोक ब्लोइंग आउट द टॉल चिमनी, और थोड़ी दूर पर एक बदसूरत इमारत थी, राइट।
एंड उस लंबी चिमनियों के धुओं से बाहर निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटली। और जब चिमनियों से धुआं निकल रहा था तो राजवीर थोड़ा उत्साह से चिल्लाया, अरे चाय का बागान। प्रांजल, हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप द अ प्लांटेशन, डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। सो प्रांजल, जो कि एक चाय के बागान के में ही पैदा हुआ था, बड़ा हुआ था, उसने राजवीर के उस एक्साइटमेंट पे ध्यान नहीं दिया। डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। ओ दिस इज ए टी कंट्री नाउ, ही शेड, आसाम हैज अ लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। सो उसने कहा कि ओ अब ये चाय का देश है और असम जो है ना दुनिया में सर्वाधिक वृक्षारोपण का घनत्व वाला देश है, और आप जीवन भर याद रखने के लिए पर्याप्त उद्यान देखेंगे, एंड यू विल सी एनफ गार्डन फॉर द लास्ट यू अ लाइफ टाइम। सो उसने कहा आई हैव बीन रीड एज मच एज आई कुड अबाउट टी। और उसने कहा कि मैंने राजवीर ने कहा कि मैं चाय के बारे में जितनी भी चीजें पढ़ता रहा हूँ, राइट, एंड लास्ट योर लाइफ टाइम आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज कुड अबाउट द राजवीर सेड, नो वन रियली नोज आई डिस्कवर टी बट देयर मेनी लेजेंड्स। उसने कहा कि कोई भी नहीं जानता कि वास्तव में चाय की खोज किसने की, और रियली डोंट नो हु डिस्कवर्ड बट देयर आर मेनी लेजेंड्स, लेकिन बहुत सारे लेजेंड्स हैं। उसने कहा लेजेंड्स और क्या क्या, अच्छा लेजेंड्स, खैर। उसने कहा वेल देर इज अ वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। वन डे फ्यू लीव्स ऑफ ट्विंक्स बर्निंग अंडर अ पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग अ डिलीशियस फ्लेवर, इट इज सेड दे वर अ टी लीव्स। सो वेल खैर, यहाँ एक जो चीनी सम्राट था उसके बारे में है कि जो पहले पानी जो होता था ना उसको पीने से पहले उबालता था, और एक दिन बर्तन के नीचे जल रही टहनियों की कुछ पत्तियां उस पानी में गिर गईं, और इससे उसका जो पानी था वो स्वादिष्ट हो गया, और कहा जाता है कि यही चाय की पत्तियां थी। सो प्रांजल ने बिल्कुल कहा कि अच्छा मुझे एक और बताओ। प्रांजल ने मजाक में कहा अच्छा मुझे एक और बताओ, स्कॉफ प्रांजल। सो कहा कि वी हैव इंडियन लेजेंड्स टू, हमारे पास इंडिया की भी एक किंवदंतियां हैं जो प्रचलित हैं। तो उसने कहा कि बौद्ध धर्म एंड एशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक कट ऑफ द आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन। सो उसने कहा कि हम एक प्राचीन बौद्ध तपस्वी बौद्ध धर्म ने अपने पलके इसलिए काट ली क्योंकि ध्यान के दौरान उनको नींद महसूस हुई थी, और पलकों से चाय के 10 पौधे उग गए। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट द आईलिड्स, जो आंख की पलकियां होती ना उनसे, और द लीव्स दीज प्लांट्स व्हेन पुट इनटू हॉट वाटर द ड्रंक वैनिश्ड स्लीप। और जब भी इन पत्तियों को गर्म पानी में डाल दिया जाता है और पिया जाता था तो नींद भाग जाती थी। टी वॉज द फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडिट कहा कि 2700 ईसा पूर्व की अगर बात करें तो सबसे पहले चीन में पी गई थी। एंड इन फैक्ट व्हाट सच एज अ टी चाय एंड द चीनी आर फेमस चाइनीज, टी केम इन टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, वॉज ड्रंक मोर मेडिसिन एज अ बेवरेज। और वास्तव में चाय और चीनी जैसे शब्द चीन से हैं। यूरोप में चाय केवल 16th सेंचुरी में आई, और ये एक जो बेवरेज होता है ना, इससे कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सारी चीजें पीते हैं, उससे ज्यादा कहीं दवा के रूप में पिया जाता है। सो द ट्रेन क्लैटर इन टू द मरियानी जंक्शन, और ट्रेन मरियानी जंक्शन पर रुकी। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू कोवाड प्लेटफॉर्म। सो लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया और भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर उतर गए। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और प्रांजल के पेरेंट्स जो थे इंतजार कर रहे थे माता पिता, और सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देकिया बाड़ी एंड टी गार्डन मैनेज बाई प्रांजल फादर। और जल्दी ही वे देकिया बाड़ी की गाड़ी में जा रहे थे जो कि प्रांजल के पिता द्वारा एक
मैनेज्ड कह सकते हो कि चाय की बगान थी। और एन आवर लेटर कार वेयर शार्पली ऑफ द मेन रोड, दे क्रॉस्ड कैटल ब्रिज, एंटर्ड द धेकियाबेरी टी स्टेट। और 1 घंटे बाद जो कार थी वो जो मेन सड़क थी उस पर तेजी से मुड़ गई। उन्होंने देखा कि दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज। कैटल ब्रिज का मतलब होता है जो मवेशी होते हैं ना, गाय भैंस ये सारी चीजें, उनको उस पुल को पार करके धेकियाबेरी जो था उस चाय बगान में उन्होंने प्रवेश किया। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ऑन द बोथ साइड ग्रेवल रोड वर एकर अपॉन एकर्स ऑफ टी बसेस बुशेस ऑल नीटली प्रॉन्ड एंड द सेम हाइट। और बंजरी सड़क जो थी दोनों तरफ चाय की झाड़ियाँ कई एकड़ में फैले हुए थे और बड़ी सफाई से एक एक ही हाइट तक, एक ही ऊंचाई तक उनकी छटाई की गई थी। और ऑल नीटली प्रॉन्ड बाई सेम हाइट्स, ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विथ बॉम्बो बास्केट्स ऑन द बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वर प्लकिंग न्यूली स्प्राउट लीव्स। और आप कह सकते हो कि चाय को तोड़ने वाले जो समूह थे जिनके पीठ पर बांस की टोकरी बंधी थी, एक प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए थे और जो नई पत्तियां थी उनको तोड़ रहे थे। सो प्रांजल फादर शॉट डाउन अलाउड टू ट्रैक्टर पुलिंग द ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। सो प्रांजल के पिता ने चाय की पत्तियों से भरे ट्रेलर को खींच रहे ट्रैक्टर को आगे निकलने का रास्ता देने के लिए गाड़ी धीमी कर ली। सो दिस इज अ सेकेंड फ्लश एंड स्प्राउटिंग पीरियड्स इज नॉट मिस्टर बैरोना, राजवीर आस्ट। सो राजवीर ने पूछा कि यह दूसरा जो आवेग या जो अंकुरण है जो पत्तियां आ रही हैं श्री बरुआ, यह मई से जुलाई तक रहता है ना और सबसे अच्छी चाय की पैदावार होती है। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, यील्ड द बेस्ट ना बेस्ट ही ना। उसने पूछा कि ये जुलाई तक रहती हैं। सो प्रांजल के फादर ने कहा सरप्राइजली कि यू सीम्स हैव डन अ होमवर्क बिफोर कमिंग, और मुझे लगता है कि तुमने आने से पहले बहुत काफ़ी चीज़ें अध्ययन करी हैं इसके बारे में। सो मिस्टर बरुआ यस, उसने कहा कि हाँ। राजवीर ने स्वीकारा कि हाँ, मिस्टर बरुआ, और बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। और लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ मैं अधिक जानने की उम्मीद करता हूँ। तो इस तरीके से ये जो है पार्ट खत्म होता है। ये देखिए ये जो चीज़ें हैं ना ये हमारे इंडिया के ग्लैम्प्स हैं। आप कभी आसाम जाओ घूमो, आप उत्तराखंड चले जाओ वहाँ पे पहाड़ियों का नज़ारा मिलेगा, आप मध्य प्रदेश में आ जाओ जहाँ पे मैं हूँ खैर, तो वहाँ पे आप देखो सब जगह आपको यार आपको आपको फॉरन जाना भूल जाओगे आप, इतनी ही भारत के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन लोग पता नहीं क्यों जाना चाहते हैं, आई डोंट नो। खैर अब हम आते हैं थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज के बारे में और इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। और तो चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट पे। और जैसे ही मैं क्वेश्चन आंसर वाले सेशन पे आता हूँ ना तो लोग स्क्रीनशॉट सबसे पहले लेना स्टार्ट कर देते हैं अपने अपने फ़ोन में। ठीक है ले लो आप, डोंट वरी। तो ये तो क्वेश्चन है अभी, खैर मैं आंसर्स पे लाऊंगा जब आप स्क्रीनशॉट लेना। तो ये इनके फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स हैं राइट, तो ये आपके आंसर्स हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं, और ये क्या सेकंड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चंस के आंसर्स पे आ जाते हैं, तो ये इनके आंसर्स हैं राइट। और थर्ड क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जिसमें आईएनजी और एडजेक्टिव्स का यूज़ किया गया है। तो खैर ये तो क्वेश्चन हो गया और इसके ये आंसर्स यहाँ से आएंगे राइट, ये क्वेश्चन हैं सॉरी यहाँ पे हैं राइट। तो इन सारी चीज़ों के आंसर्स यहाँ पे हैं, तो आईएनजी हमने लगा दिया है सारी चीज़ों में आप देख पाओगे। एक्साइटिंग, आपको स्क्रीनशॉट इजीली मिल जाएगा आप ले सकते हैं। इंटरेस्टिंग, बोर्ड, एक्साइटेड, इंटरेस्टेड, डिसअपॉइंटमेंट, थ्रिल, थ्रिलिंग की सारी चीज़ें हैं। और इसी के साथ में जो दूसरा वाला पार्ट है इसको भी मैं बता देता हूँ। ये यार ये तो आप खुद ही करना है, मैं नहीं बताने वाला है ना, ये आपको खुद ही करना है पैराग्राफ लिखना, अब ये मैं नहीं बताऊँगा आपको। सो ये इस तरीके से जो हमारा ये चैप्टर होता है वो होता है ख़त्म, ये होता है फिनिश राइट। और आई होप कि ये जो चैप्टर है ना सेवन्थ वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। कोई भी सुझाव या सजेशन देने के लिए आप हमारे नंबर पर जुड़ सकते हैं। नंबर हमारा कुछ इस तरीके से 8777007431 राइट, इसके साथ आप जुड़ सकते हैं, सुझाव सजेशन दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।